Don't forget to subscribe the Hilarious Biker and press the bell icon for more updates. Hey, what's up everyone? This is Hilarious Biker back with another video. I hope you guys absolutely fine. So, thumbnail देख के आज का टॉपिक आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा. अब सवाल ये उठता है कि मेरा हेलमेट में पहले से ही तो चिन माउंट किया हुआ था, तो कहाँ गया चिन माउंट? पिछले वाला चिन माउंट कहाँ गया? और फिर से मैं चिन माउंट क्यों कर रहा हूँ? ये एक मन में सवाल आप लोगों को आ रहा है, पता है, तो सब कुछ डाउट क्लियर कर देता हूँ. तो दो तीन दिन पहले मैं एक ज़रूरी काम से बाहर गया था, लेकिन मेरा कैमरा कैरी नहीं कर रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम की वजह से ये टूट गया. ठीक है, तो अब लोगों का सवाल का जवाब तो मिल ही गया. तो अब इसको फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर से चिन माउंट करना पड़ेगा. जो माउंट मेरा टूट गया वो माउंट मुझे मिला था पिछले वाले कैमरा के साथ, तो वो तो टूट गया. अच्छा क्वालिटी का नहीं था शायद. तो SJ कैम के साथ जो चिन माउंट मिला है मुझे, तो वो अभी आज इंस्टॉल करने जा रहे हैं. ठीक है, तो पिछले वाले जो चिन माउंट इंस्टॉल किए थे उसके लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाए थे हमने. इस बार सोचे कि एक वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके. ठीक है, कि फ्यूचर में आप अगर व्लॉगिंग स्टार्ट करें तो इस हेलमेट के ऊपर अगर चिन माउंट करें तो आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए हम चिन माउंट के ऊपर एक वीडियो बना देना चाहते हैं. ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो शुरू करते हैं. चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कैसे हम चिन माउंट करते हैं. ठीक है, तो कहाँ गया? तो गाइज, मैंने एक एमसील खरीदा है. एमसील के सहारे मैं यहाँ पे चिन माउंट फिट करूँगा. ठीक है, और इट्स वेरी सिंपल, और उसके बाद टाइम भी तो लगेगा एमसील सुखाने में. उसके बाद पूरा वीडियो देखते रहिए. ठीक है, A to Z अब लोगों को दिखाने वाला है आज. ओके, तो वीडियो एंड तक देखिए एंड मजा लीजिए. ओके, सो गाइस, ये एमसील हमने पेस्ट कर ली है. ठीक है, तो जल्दी से इसको पेस्ट करना पड़ेगा. हम एक सेंटर ढूंढ रहे हैं, तो एकदम मिडिल में इसको पेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कैमरा का पोजीशन ठीक नहीं आएगा ना. तो ठीक है, यहाँ पे पहले एमसील को फिट करते हैं. तो इसको अच्छे से हो गया, इसके ऊपर इसको बिठा देते हैं बस. बहुत ही इजी है गाइस. अब जो लोग व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये माउंट आप लोगों को जरूरी है. हो गया, इसको अब हम पेस्ट करने वाले हैं.
परफेक्ट, यहाँ पे थोड़ा इंसिल देना पड़ेगा। बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा और पोजीशन देख लेना पड़ेगा, नहीं तो कैमरा ठीक से बैठेगा नहीं। तो अभी से चिपक रहा है मेरे हाथ पे थोड़ा थोड़ा, जल्दी से करना पड़ेगा। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो पूरा रेडी हो चुका है, ठीक है, हमने पूरा सेट कर दिया है। थोड़ा थोड़ा सूख रहा है, तो 4-5 घंटा धूप में रखने के बाद सूख जाएगा सही से और एकदम अच्छे से सेंटर में बिठा दिया हमने, ठीक है। तो चलिए इसको धूप में रख देते हैं और उसके बाद 5 घंटा बाद देखते हैं क्या होता है। ओके चलिए। सो गाइस, 5 घंटा पहले हमने हेलमेट को टेरिस पे छोड़ के गए थे, तो चलिए अभी देखते हैं एमसील परफेक्टली सूख चुका है कि नहीं। ओके So guys, there is my helmet waiting for me. Oh, देख के तो लग रहा है सूख चुका है पूरा। तो आप लोग देख सकते हैं ये पूरा सूख चुका है, ठीक है। तो guys, आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो कि पूरा हेलमेट का वेट इसके ऊपर डालने के बाद भी ये सही सलामत है। मतलब हेलमेट का वेट कितना होगा, 1 kg या 2 kg, इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। मतलब ये एमसील कितना खतरनाक है, कितना काम का चीज़ है ना। ये परफेक्टली सूख चुका है, इसके बाद देखिए अब पूरा हेलमेट का वेट ये ले पा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। दिस परफेक्टली ऑल राइट। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा वीडियो। ओके, और जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, फ्री में सब्सक्राइब होता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और भी बहुत सारा ढेर सारा अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, टाटा।